वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति ईरानी पर। आपकी अदालत में अगला जज। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी पर आरोप है कि ये अति महत्वाकांक्षी हैं। स्मृति जी, आजकल दिल्ली में बहुत इस बात की चर्चा है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो स्मृति ईरानी मंत्री जरूर बनेगी सरकार में। इसी दिल्ली में मैं पैदा हुई, पली बड़ी। जब पैदा हुई तब माता पिता के पास सर पर छत नहीं थी, और जब रहने की जगह मिली तो मुनीरका में एक तबेले के ऊपर, भैंस के तबेले के ऊपर जगह मिली। इस दिल्ली में मेरा एकमात्र सपना था वो ये कि मैं जीवन में एक ऐसी फील्ड में जाऊं जहां पर सिफारिश से मुझे कभी नौकरी ना मिले। मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा था जो कहते थे पता है मेरा बाप कौन है। मुझे वो कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैं मीडिया में आई, क्योंकि मीडिया में आपका कोई माई बाप नहीं। ये सच है कि 19 साल की उम्र में आपने पत्रकार जर्नलिस्ट बनने की कोशिश की? मैंने रजत जी 16 साल की उम्र में जनपथ जो है दिल्ली में, वहाँ पर दिन में 200 रुपए की पगार में सड़क पर खड़े होकर सामान बेचने के काम से शुरुआत की थी। और अगर एक परिवार का गरीबी से उभरना, अगर एक परिवार का गरीबी से मध्यम वर्ग तक पहुंचना ओवर एम्बिशियस है, तो मैं ऐसे इल्ज़ाम के बारे में कुछ कह नहीं सकती। बस इतना कह सकती हूँ कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, मुझे इस बात का फ़ख्र ज़रूर है कि चाहे वो मीडिया हो चाहे वो राजनीति हो, मैंने आज तक किसी के सहारे अपने लिए जगह नहीं बनाई, किसी के सहारे के माध्यम से जगह नहीं बनाई, अपनी मेहनत के दम पर बनाई, किसी के सामने आज तक हाथ नहीं, किस समय ने पढ़ा रिसर्च करते हुए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। शायद इस दुनिया में मेरे परिवार को छोड़कर कोई उंगली उठाकर ये नहीं कह सकता कि स्मृति ईरानी को बनाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। मुझे बस इतना लगा कि मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे भगवान ने कम से कम इस संघर्ष की बेला में मौके तो दिए कि मैं अपने हुनर के माध्यम से अपने आप को प्रूव कर सकूँ। तो अगर किसी को श्रेय जाएगा तो भगवान को जाएगा, परिवार को जाएगा, एकता कपूर को जाएगा, क्योंकि उसने मुझे रोना सिखाया टीवी पे। मैकडोनल्ड्स में आपने झाड़ू पोंछा लगाने का भी काम किया जिंदगी में? जी, नौकरी नहीं थी मेरे पास और अंत के 200 रुपए बचे थे, और मेरी बहन ने कहा तुम हर बार नौकरी का इश्तिहार देख के जाती हो इंटरव्यू के लिए, तुम्हें नौकरी नहीं मिलती यार, तुम क्या करके गड़बड़ आती हो, आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो मैंने अखबार में दो इंटरव्यूज देखे थे, एक मैकडोनल्ड्स का था और एक जेट एयरवेज के लिए था। तो तब तो अभी इतनी मोटी हूँ, तब थोड़ी पतली सी थी। मुझे लगा कि जेट एयरवेज में एयर होस्टेस बनूंगी तो बहुत पैसा मिलेगा, कम से कम एक महीने का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। गई जब मैं वहाँ ऑफिस में तो उन लोगों ने कहा शक्ल देखी है आपकी, ना शक्ल ठीक है ना आपकी पर्सनालिटी मैच होती है, आपको हम नौकरी नहीं दे सकते। और मेरी बहन ने कहा चल तुझे नहीं मिल रही, मैं ट्राई करके देखती हूँ। मैंने कहा कर ले ट्राई, मुझे लगा मुझे नहीं मिली तो उसे क्यों मिलेगी। पता चला रजत जी उसे मिल गई नौकरी। उसको देखते ही बोला हाँ आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप आ सकती हैं ट्रेनिंग में। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैं बड़ी बहन हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, छोटी की पगार पे थोड़ा ना जीने वाली हूँ। तो साथ में मैकडोनल्ड्स का एक इंटरव्यू था, मैं वहाँ गई और मैंने कहा देखिए मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा मैडम आप तो देर से आई हैं, क्योंकि सारी नौकरियाँ चली गई हैं, एक बची है वो आपके लायक नहीं है। मैंने कहा क्या नौकरी है? तो उन्होंने कहा वो जो वेलकम टू मैकडोनल्ड्स कहते हैं, जो ट्रे होते हैं, मॉप करते हैं, वो नौकरी बची है। मेरे पास उस वक्त पैसा था नहीं, तो मैंने कहा जो भी नौकरी है भाई साहब दे दीजिए, क्योंकि मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि एक दिन ट्रे धोते धोते मैं आपकी मैनेजर ज़रूर बन जाऊँगी। तो जब मैं बाहर आई तो मेरी बहन तो बड़ी खुश होकर अरे बताए कितने हज़ार की नौकरी है। उसने कहा तुम्हें मिली नौकरी? मैंने कहा हाँ मिली, 1800 की नौकरी मिली। लेकिन इसलिए मुझे लगता है रजत जी कि जब कांग्रेस के नेता कहते हैं ना चाय वाला, तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री है और गुजरात से उन्होंने एक ऐसे एमपी को भेजा जिसने झाड़ू पोछा बर्तन से शुरुआत की थी, सो नॉट बैड। मुझे लगता है काफ़ी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जिस इंसान ने अपने जीवन की शुरुआत तबेले के ऊपर एक कमरे से की, वो आज आपकी अदालत में बैठी है। मैं आज आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू गाइज आर, यू डोंट सीम मोर
ओल्डर देन 20, 21, 22. मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज से शायद 20 साल पहले टेलीविजन सेट के सामने, मैं 16 की बात कर रही हूँ, 17, 18 की उम्र के आसपास टेलीविजन पर पहली बार हमने रजत शर्मा को देखा था और आपकी अदालत शुरू हुआ था. हम तीन बहनें हैं घर में और तीनों जब बैठ के देखते थे और आकांक्षाओं की बात करते थे, सपनों की बात करते थे, तो मुझे आज भी याद है कि सबसे छोटी बहन ने कहा था कि लोहा तब माने इंसान का जो आपकी अदालत में बुलाया जाए. तो आज के इस इंटरव्यू में मेरा हश्र क्या होगा मुझे नहीं पता, जज साहब मेरे बारे में क्या वहां से निर्णय लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर मेरी छोटी बहन इस वक्त ये इंटरव्यू देख रही है तो मैं कहना चाहूंगी कि मुझे फक्र है कि माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए, संगठन ने ऐसा साथ दिया कि आज मैं कटघरे में हूँ. मैं आपकी छोटी बहन को दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आज आप आपकी अदालत में बैठी हैं, ये एक ऐतिहासिक दिन है. 21 साल पहले आपकी अदालत इसी दिन शुरू हुआ. अरे वाह. और वाकई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे. अरे हम तो हुए थे, आप लोग नहीं थे. जब मैं इतना ही कहूंगी, वैसे एक्चुअली सीरियल को देखने के बाद कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं 60-70 साल की हूँ क्योंकि मेरे सीरियल में बाल सफेद थे. लेकिन हाँ, जितना भी जर्नी रहा रजत जी, आज मुझे लगता है उस जर्नी में चार चांद इसलिए लगे क्योंकि मैं यहाँ हूँ. सो थैंक यू फॉर कॉलिंग. जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं एक एक करके. हाँ, यहाँ थर्ड रो में. मेरा सवाल ये है कि आपने करियर के लिए पॉलिटिक्स कैसे स्विच किया और बीजेपी को ही क्यों चुना? मुझ जैसी महिला जो नहीं चाहती कि सिफारिश की जिंदगी जी जाए, वो कभी भी कांग्रेस जैसी पार्टी में नहीं हो सकती थी जहाँ पर राजनीति भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सिफारिश से चलती हो. बीजेपी को ही क्यों चुना आपने? मेरा एक आइडियोलॉजिकल अम्बिलिकल कॉर्ड है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है. बीजेपी का जो स्लोगन है ऑफ पुटिंग द नेशन फर्स्ट, यही मेरी अपने जीवन की मान्यता है और इस मान्यता के आधार पर मैं बीजेपी के संग हूँ. लेकिन ये सच नहीं कि बीजेपी ने आपको इसलिए लिया था कि पूरे देश में आपकी एक बहू की इमेज थी, आदर्श बहू की, और एक विदेशी बहू के खिलाफ देसी बहू को मैदान में उतारा हुआ? अगर ऐसा होता तो साल 2004 में बीजेपी मुझे सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ाती. ये कहना भी गलत है कि बीजेपी मतलब इंतजार कर रही थी कि कब स्मृति ईरानी आएंगी हमारी पार्टी में, ऐसा नहीं है. मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने क्लियरली बताया कि जो बीजेपी है उसका क्लियर कट एजेंडा है कि इट वांट टू सी द इंडिया एज अ करप्शन फ्री. इतनी दृढ़ निष्ठा थी तो जो दिल्ली में जो जन लोकपाल बिल की जो हुई थी उसमें बीजेपी ने बैकआउट क्यों किया, उसमें उसके फेवर में वोट क्यों नहीं किया? आपके पास एक तो जानकारी का अभाव है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी सरकार बनाई तब उनके पास गवर्नेंस का कोई एजेंडा नहीं था. अरविंद केजरीवाल वाकई में अगर करप्शन फ्री दिल्ली चाहते तो उन्होंने जो अपना चुनावी मुद्दा रखा था शीला दीक्षित के खिलाफ FIR करने का और शीला दीक्षित को जेल भेजने का, उस पर वो पहले कार्रवाई करते. दिल्ली में जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त को और सशक्त करते. अरविंद केजरीवाल के पास ये मौका भी था कि जिस बिल की वो बात करें उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की तरह या तो वो विधानसभा में रेजोल्यूशन लाते, या तो वो अमेंडमेंट लाते, या उसे कोर्ट में चुनौती देते. लेकिन दुख की बात यह है कि केजरीवाल जी ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल धारा में विश्वास करते हैं क्योंकि वो खुद कहते हैं कि वो एनार्किस्ट हैं, ना उन्होंने कोर्ट्स का सहारा लिया. तो मुझे लगता है कि जो भ्रम उन्होंने फैलाया, मेरा निवेदन आपसे है कि आप उसकी विक्टिम ना बने. आप बीजेपी ने जन लोकपाल बिल हो या लोकायुक्त सशक्त हो, इसके बारे में जब हमने उत्तराखंड में सरकार बनाई थी तब ऐसा लोकायुक्त का बिल पास किया था जिसकी सराहना अरविंद केजरीवाल, अन्ना और ये सारे मूवमेंट के जो नेतृत्व हैं इन लोगों ने भी की थी. स्मृति जी, शायद उनके सवाल की भावना ये है जी कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सवाल आता है तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है और बीजेपी उतनी ताकत से नहीं लड़ रही. मुझे लगता है ये सबसे बड़ा भ्रम है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी नहीं लड़ रही है, क्योंकि चाहे वो 2G का घोटाला हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हो, चाहे वो कोयला का घोटाला हो, इन हर मुद्दों पर, इन हर विषयों पर आपने संसद में और सड़क पर भी बीजेपी को आवाज़ उठाते देखा है. हर रात जब आप मुझे किसी TV चैनल पर डिबेट करते देखते हैं तो वो किसी न किसी स्कैम के संदर्भ में ही देखते हैं.
तो ये कहना कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई सरासर गलत है। लेकिन एक ये भी सच है कि आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर इस तंत्र का सहारा लिया है ताकि वो अपनी राजनीति कर सकें, और अगर वाकई में वो भ्रष्टाचार के विरोधी थे तो उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर दिल्ली में सरकार चलाने का प्रयास क्यों किया, इसका जवाब मुझे आम आदमी पार्टी से नहीं मिल रहा। लेकिन इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी लड़ती है तो येदियुरप्पा को पार्टी में वापस क्यों लिया? येदियुरप्पा जी के खिलाफ जब आरोप आए तब भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती थी कि अगर उनको हम कहेंगे मुख्यमंत्री पद से आप नीचे आए, इस्तीफा दें, तो हमें चुनाव में उसका नुकसान होने वाला था। ये जानते हुए भी प्रामाणिकता से भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा जी से कहा कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए और आप पहले जाकर कोर्ट ऑफ लॉ में ये साबित कीजिए कि आप निर्दोष हैं। येदियुरप्पा जी ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, हम चुनाव हार गए, हमारी पार्टी बिखर गई, फिर भी इस बात का प्रमाण देने के लिए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं हमने ये राजनीतिक लॉस अपनाया। अब येदियुरप्पा जी कोर्ट में जाकर अपने ऊपर जितने इल्ज़ाम लगे हैं उनसे बरी होते हैं और कहते हैं कि मैं निर्दोष, मुझे कोर्ट साबित कर रहा है, और फिर कहते हैं कि मैं पार्टी में आना चाहता हूँ बिना किसी डिमांड के कि मुझे कोई पद मिले या मुझे कोई एक बड़ी गरिमामय आप जगह पर पहुंचा दें। तो आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि जो केजरीवाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, जो कांग्रेस के भ्रष्ट नेता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति या संगठन पर अंकुश लगाएंगे और उंगली उठाएंगे जिन्हें कोर्ट प्रमाणित करता है कि वो निर्दोष हैं? जो श्री रामुलू हैं रेड्डी ब्रदर्स के बिल्कुल भाई की तरह हैं, जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी, अब चुनाव के मौके पर कर्नाटक में उनको भी पार्टी में शामिल किया। पार्टी में इस चुनाव के बेला में अगर अब आंध्र प्रदेश में जैसा हुआ, पुरंदेश्वरी देवी आई हैं और हमसे उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अगर पार्टी में वो लोग भी शामिल होते हैं जो कांग्रेस से तंग हो चुके हैं, तब मैंने कांग्रेस की एक नीति देखी है कि जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक आप सेक्युलर हैं, तब तक आप साफ हैं, अगर आप बीजेपी के साथ जाते हैं तब आप भ्रष्ट हैं, तब आप में कोई कमी है। तो इसका जवाब तो रजत जी मुझे लगता है, लेकिन बीजेपी भी तो गंगोत्री नहीं है ना, इसमें आकर के आदमी शुद्ध हो जाए। रजत जी, इस कलयुग में गंगा माँ अपने आप में इतनी मैली हो चुकी है, तो हमारा तो प्रयास ये है कि जैसे उमा भारती जी कहती हैं कि सरकार के प्रयत्नों से नरेंद्र भाई के नेतृत्व में माँ गंगा को भी हम शुद्ध कर सकें, ऐसा आशीर्वाद मैं आपकी अदालत में आपसे और जनता से मांगती हूँ। एक और ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्मृति ईरानी पर इल्जाम और सवाल आपका एक और। आज जिस प्रकार के इल्जाम यहाँ रजत जी लगाए जा रहे हैं और जो जो टैग्स आप मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप रजत शर्मा कम और एक साथ ज्यादा नजर आते हैं।